2003 का बदला ले लेंगे इस बार, 2023 में जीत के आए कंफर्म। ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। विराट कोहली भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? परंतु जिस तरीके से शमी भाई ने पिछले कुछ गेमों में अपना जो दमखम दिखाया है, तो उस हिसाब से तो मेरे को सबसे ज्यादा उम्मीद है शमी भाई से ही रहेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है और पूरा देश भारतीय टीम को चीयर कर रहा है, शुभकामना संदेश दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल के चंदौली में। चंदौली में एक विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो रही है। वहां पर देश के 20 राज्यों से स्टूडेंट्स आए हैं, खिलाड़ी आए हैं उन पर भी। हालांकि वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट का जुनून इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। देख सकते हैं वी वांट वर्ल्ड कप, और टीम इंडिया को चीयर करने के लिए इंडिया इंडिया की नारेबाजी हो रही है। वर्ल्ड कप का स्लोगन लेकर के, खिलाड़ियों का स्लोगन लेकर के ये तमाम खिलाड़ी जो है वो टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं। और बस यही कहना है कि किसी तरह भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाना है और टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करेगी। आप देख सकते हैं वो देखा जा सकता है। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, ये बताइए कि एक किस कितने स्टेट के बच्चे आए हैं और किस तरह से आप लोग टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं? हम टीम इंडिया को दिल से चीयर कर रहे हैं और हमारी टीम वर्ल्ड कप लेकर के ही आएगी। जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों का, हमारे देश के खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया है और आज फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है, उसको देखते हुए हमारे सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं और सब अच्छा करेंगे। ये बताइए यहाँ पर कितने स्टेट के बच्चे आए हैं, जो आप लोग टूर्नामेंट हो रहा है किस तरह चीयर कर रहे हैं? यहाँ पे हमने सीबीएसई वॉलीबॉल नेशनल ऑर्गेनाइज किया हुआ है जेएस पब्लिक स्कूल पांडेपुर पचोखर में, और करीब 22 से 23 राज्यों के बच्चे इस विद्यालय में नेशनल मीट्स में प्रतिभाग कर रहे हैं और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। यहाँ पे जो उनको खेलने का प्लेटफॉर्म दिया गया है और वो भारतीय टीम के लिए भी काफी एक्साइटेड है, क्योंकि कल हमारा फाइनल है और कल वॉलीबॉल का भी फाइनल है और हमारे वर्ल्ड कप का भी फाइनल है, तो इसको देखिए तो काफी मजा आ रहा है, काफी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो देखा जा सकता है क्रिकेट का जुनून ही कुछ ऐसा होता है। हम इधर ही बात करेंगे बच्चों से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितेश सिंह है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से। आप उत्तराखंड से आए हो, टीम इंडिया को कैसे चीयर कर रहे हो और क्या शुभकामना देना चाहते हो? सर टीम इंडिया को हमारा दिल से सपोर्ट है और टीम इंडिया हमारी पिछले सारे मैचों से जीतते आई है और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये हमारा वर्ल्ड कप इस बार भी इंडिया ही आएगा, वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक सिंह बाफिला है, मैं हल्द्वानी से आया हूँ। आप हल्द्वानी से आए हैं, कोच हैं इनके, टीम मैनेजर। तो ये बताइए कि कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद है टीम इंडिया? सर वैसे तो सारे खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही उम्दा हैं, परंतु जिस तरीके से शमी भाई ने पिछले कुछ गेमों में अपना जो दमखम दिखाया है, तो उस हिसाब से तो मेरे को सबसे ज्यादा उम्मीद है शमी भाई से ही रहेंगी। आपको किससे ज्यादा उम्मीद है? सर हमको भी समीर सर से ही है। समीर से? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आदर्श बेस्ट। आदर्श, ये बताओ कि आप तो विराट कोहली के फैन लग रहे हो, तो विराट कोहली से कितनी उम्मीदें हैं? विराट कोहली से बहुत उम्मीदें हैं। विराट कोहली भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? विराट भाई, ये जुनून है बच्चों में। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष चितवाला और मैं हल्द्वानी से। आप ये बताओ कि किस तरह से चीयर कर रहे हैं और क्या कहना चाहोगे टीम इंडिया के लिए? सर हम अपने पूरी इंडियन टीम को खूब सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं, और इस बार वर्ल्ड कप हमारे इंडिया के पास ही आएगा और हमें और ये लगता है कि पूरी इंडियन टीम वर्ल्ड कप लेके आएगी। इंडियन टीम वर्ल्ड कप लेके आएगी। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। सर अभिषेक, ये बताओ कि टीम इंडिया को कैसे आप शुभकामना देना चाहोगे? हमारी सबकी शुभकामनाएं सर टीम इंडिया के साथ है और अब तक बहुत अच्छा करते हैं और उम्मीद है आगे भी अच्छा करेंगे, वर्ल्ड कप हमारा ही है। विद्यालय परिवार के भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, टीम इंडिया फाइनल पहुंच गई है तो धुकधुकी बढ़ी हुई है? 2003 का बदला ले लेंगे इस बार, 2023 में जीत के आए कंफर्म। ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी नहीं हो पाएगी, जबरदस्त उत्साह है। रजनीश जी हैं। रजनीश जी, ये बताइए कि टीम इंडिया से कितनी उम्मीदें हैं और किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे काशी की धरती से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से? बाबा काशी विश्वनाथ की, बाबा काल भैरव की सब आशीर्वाद इस समय पूरे हमारे स्वर्ग से सबका आशीर्वाद टीम इंडिया को मिल रहा है और मिलेगा भी, और टीम वर्ल्ड कप हमारे पास ही रहेगा। जैसा अरुण जी ने कहा कि 2003 का बदला, वो दिन हम लोग को याद है, उसका बदला कल विराट की सेना ने लेना ही लेना है। विराट की सेना जीतेगी। कुछ इधर भी बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कीर्ति वर्मन। विकास, ये बताइए कि ये जो पोस्टर है, देखिए ये साइलेंट वाला पोस्टर लिया है इन्होंने,
तो क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को? सर, सिराज जी जो हैं, सिराज सर जो है वो अच्छे ही क्रिकेटर हैं, ये अपना बदला तो लेकर ही रहेंगे और जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो हमारा ही रहेगा। 2023 का वर्ल्ड कप हमारा होगा, ये कहना है इन खिलाड़ियों का। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर और हमारी भी यही शुभकामना है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। यूपी तक की तरफ से भी टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।